हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड कैसे हो आप लोग गाइस? आज है विंटर कट का डे 12, डे 13 है आज। तो अभी आज लगाना है शोल्डर का वर्कआउट एंड जिम में वीडियो स्टार्ट हो रही है क्योंकि कार पापा लेके गए हैं। तो अभी भाई ठंड में, बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैं स्कूटी चला कर आया हूँ। तो अभी चलते हैं यार, आज करना है हमने शोल्डर और ट्रैप्स का वर्कआउट, जिसमें मेरा मेन फोकस आज रहेगा मिड डेल्ट के ऊपर, जो कि हमारे लेटरल रेजिस से ट्रेन हो जाएंगे। एंड उसके अलावा हम स्मिथ मशीन तो भाई मैं अपने मैक्सिमम वर्कआउट्स में ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे भाई अच्छे मस्कुलर गेन करना है और मसल माइंड कनेक्शन उसमें बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो स्मिथ मशीन से फ्रंट डेल्ट ट्रेन करेंगे एंड देखते हैं बाकी और कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ आज की वीडियो में आपका दिखाऊंगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी सबसे पहले वार्म अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको फ्रंट डेल्ट के एक्सरसाइज में, जो कि स्मिथ मशीन पे करेंगे हम मिलिट्री शोल्डर प्रेस। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ये लगा रहा हूँ मैं वार्म अप सेट 5 kg ईच साइड स्मिथ मशीन पे। करते हैं स्टार्ट, वार्म अप करेंगे बढ़िया से एंड उसके बाद एक बार मेरे अच्छे से जॉइंट्स और मसल्स खुल जाएं, उसके बाद फिर हम लगाएंगे 10 kg एंड उससे स्टार्ट करेंगे अपना पहला सेट। वार्म अप करते हैं पहले। तो गाइस अब लगाएंगे हम सेट नंबर 2। थोड़ा सा पानी गिर गया शर्ट पे, बट कोई बात नहीं। सेट नंबर 2 10 kg ईच साइड। ये सेट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट सेट कितने वेट से लगाने हैं। तो थोड़ा सा टफ आया ये सेट, तो आई थिंक 2.5 kg साइड ऐड करेंगे। टोटल 5 kg वेट में और ऐड करके नेक्स्ट 3 सेट लगाएंगे। 5 विल ट्राई की 10 रेप्स आए सब में। थोड़ा सा 1 सेकेंड का पॉज यहाँ पर एंड देन अप। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेट में। अब लगाएंगे सेट नंबर 2 12.5 kg ईच साइड। सो इट्स 12.5 25 एंड 20 kg की आई बिलीव रॉड है ये, 45 kg। तो गाइज अब मैं करने लगा हूँ लेटरल रेजिस एक्सरसाइज। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है कि जब आप लेटरल रेजिस लगा रहे हो तो नेगेटिव मोशन थोड़ा स्लो और कंट्रोल करो, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, आपको मसल पे टेंशन ज़्यादा आएगी। करते हैं स्टार्ट। Oh.
यही वेट काफ़ी है मेरे लिए, मुझे और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज करूँगा मैं फेस पुल्स अपने रियर डेल्ट के लिए। यूजुअली मैं यही एक्सरसाइज करता हूँ अपने रियर डेल्ट के लिए, कभी कभार पैक डेक फ्लाई पे कर लेता हूँ, बट ये वाली एक्सरसाइज मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। तो करते हैं स्टार्ट। तो अब लगाते हैं सेट नंबर टू। तो गाइस अगेन हम लगाएंगे लेटरल रेजेस, एंड पहले मेरा प्लान था कि डंबल से लगाएंगे, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि वापस एसी से लगाएंगे, क्योंकि डंबल में मेरे को उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं बनती है, एंड कई बार मसल माइंड कनेक्शन भी तो सही नहीं बनता है। एंड आज वैसे ही मेरा थोड़ा सा, मैंने कहा था आपको कि मैं मिड डेल्ट को ज़्यादा ट्रेन करूँगा, तो इसलिए तीन सेट और इसके ही लगा रहा हूँ इसी एक्सरसाइज के। फिर मिलता हूँ आपको ट्रैप्स के वर्कआउट पे। तो गाइस अब हम करेंगे ट्रैप्स का वर्कआउट स्मिथ मशीन पे, 15 केजी ईच साइड लगा दिया है, करते हैं स्टार्ट। गाइस अभी मैंने सेकंड सेट लगाया 20 केजी ईच साइड से, थर्ड और फोर्थ सेट भी मैं सेम वेट से लगाने वाला हूं, तो अब मिलता हूं आपसे इस एक्सरसाइज के बाद। तो गाइस फाइनली अपना वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, अब चलना है घर की तरफ। कल भी मेरा वाटर फास्ट था, कल पूरा दिन जीरो कैलोरी ली मैंने, सिर्फ वे प्रोटीन लिया था 2 स्कूप। तो आज भी मैं कोशिश करूँगा कि कैलोरी ना खाऊँ, बट अगर मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा तो मैं रात को एग खा लूँगा बॉइल्ड, ताकि मेरे को नींद चैन की आ जाए। तो देखते हैं बाकी जो भी होगा यार, अब कल के वर्कआउट में मिलता हूँ, कल है आर्म्स का वर्कआउट। चलो चलता हूँ यार, आज स्कूटी पे आया हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, घर चलते हैं। फिर वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।